अजमेर डेयरी अध्यक्ष पर जीत का सिलसिला कायम रखते हुए रामचंद्र चौधरी ने एक बार फिर कब्जा जमा लिया। खास बात यह है कि लगातार पांचवी बार डेयरी अध्यक्ष बने रामचंद्र चौधरी और डेयरी का संपूर्ण संचालक मंडल निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। डेयरी के संचालक मंडल के अभिनंदन समारोह में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री सावनलाल जाट भी मौजूद रहे। अजमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के चुनाव में रामचंद्र चौधरी ने अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए एक बार फिर चेयरमैन की सीट संभाल ली। जाट को जीत की इस मुहिम में केंद्रीय मंत्री सावनलाल जाट का भरपूर समर्थन मिला। कल तक कांग्रेस नेता के रूप में पहचान रखने वाले रामचंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट का विरोध करते हुए सावनलाल जाट का साथ दिया था और माना जा रहा है कि जाट ने इस बार चौधरी की ताजपोशी में अपनी भूमिका अदा कर उपकार चुकाया है। डेयरी के इस चुनाव में जाट का साथ मिलने की बात चौधरी ने सार्वजनिक मंच से भी कही और जाट का आभार व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि उन्हें पशुपालकों के हित में जाट का सहयोग मिलेगा और जाट केंद्र सरकार के सहयोग से अजमेर डेयरी के उत्पादों की खपत को देश की अन्य डेयरियों में भी करवाने में सहयोग देंगे। जाट ने भी चौधरी को हर मामले में सहयोग का आश्वासन दिया है। देखिए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अजमेर के पांचवी बार लगातार अध्यक्ष बने। पहली बार बने तब भी हम साथ थे और आज आखिरी बार तक हम साथ हैं और किसान भी साथ हैं, तो इसका मतलब इन्होंने किसानों के प्रति जो विश्वास होना चाहिए वो बनाने में कामयाबी रखी है, उनके इंटरेस्ट को वाच किया है। इसलिए किसानों ने बिल्कुल और किसी बात की चिंता किए बगैर इनको अध्यक्ष बनाया। अजमेर की राजनीति में जाट वोट निर्णायक माने जाते हैं और जिस तरह कभी विपरीत ध्रुव माने जाने वाले ये दोनों जाट नेता एक साथ आए हैं उसे देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह दोस्ती आने वाले समय में जिले की राजनीति को प्रभावित जरूर करेगी। मंगलवार को अजमेर डेयरी परिसर में नवनिर्वाचित संचालन मंडल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया जिसमें जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल के 12 निदेशकों ने चेयरमैन का चुनाव किया। रामचंद्र चौधरी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। चौधरी पांचवी बार फिर से डेयरी अध्यक्ष चुने गए। चौधरी के चयन में दुग्ध उत्पादक समिति बालूपुरा से रिद्धिकरण, जेठाना से हरिराम, ब्रिक्चियावास से लालचंद गुजर, भावता से दिनेश सिंह, मोहम्मदगढ़ से छोगालाल, देवा से रामचंद्र चौधरी, भदुन से नंदाराम, ढाल से सवाई गुजर, सरसड़ी से लादूराम जाट, जालिया प्रथम से रामकन्या, कटसुरा से गीता जाट और फतेहगढ़ दुग्ध समिति से कैलाश ने रामचंद्र चौधरी के चयन में भाग लिया। वहीं अभिनंदन समारोह में डेयरी प्रबंधन की ओर से चेयरमैन रामचंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री सावनलाल जाट, भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा का माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। आपने जो ये परिणाम प्राप्त किए हैं वो एक सराहनीय है और मैं तो ये कहना चाहता हूं जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है वही लगातार चुना जाता है और आज आप जिस प्रकार से विश्वास लोगों को जीत करके आपने जो कार्य किया है और आपने जिस प्रकार से इस डेयरी का जो आपने जो मान सम्मान बढ़ाया है, आज पूरे राजस्थान ने आपने इस डेयरी की पहचान बनाई है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक मंदिर होता है और मंदिर में अगर अच्छा पुजारी बैठ जाता है तो मंदिर प्रसिद्ध हो जाता है और वहां लोग बाग अच्छे अच्छे लोग बाग देवता को धोखने के लिए आम जनता आने लग जाती है। जिस प्रकार से आपने इस डेयरी को मंदिर समझ करके आपने एक अच्छे पुजारी के रूप में आपने जिस प्रकार से काम किया है, मैं रामचंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मीडिया से रूबरू होते हुए लगातार पांचवी बार अध्यक्ष चुने गए रामचंद्र चौधरी ने बताया कि आगामी 5 सालों में स्मार्ट अजमेर शहर की तर्ज पर अजमेर डेयरी को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। दूध की खरीद क्षमता 10 लाख लीटर की जाएगी। वहीं दूध की बिक्री 5 लाख लीटर तक बढ़ाएंगे। वहीं दूध का संकलन 15 लाख लीटर करने का भी लक्ष्य लेकर चलेंगे। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों के लिए ब्रीड, फीड और फोडर के माकुल व्यवस्था करने की बात भी कही। 10 लाख लीटर डेयरी प्लांट डालना चाहेंगे। दूध के भाव जो है 50 रुपये लीटर 5 साल में खरीद मूल्य औसत करने की कोशिश करेंगे और 15 लाख लीटर दूध संकलन करेंगे। 3 लाख 5 लाख के करीब दूध बेचेंगे प्रतिदिन और स्मार्ट सिटी की तरह दूध हमारा वर्ल्ड क्वालिटी का है जो आज भी स्मार्ट है और स्मार्ट बनाने की कोशिश हमारी रहेगी। पशुपालकों की नस्ल सुधार, फीड और फोडर तीनों मतलब कार्य ब्रीड, फीड और फोडर सुधार के लिए हम पूरा 5 साल में दमखम लगाएंगे।